हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं वो चैप्टर सेवन यूनिट फोर दैट इज फिजिकल पॉलिसी तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पॉलिसी रिफर्स टू यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग टैक्सेशन एंड बोरोस द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी तो ये बिल्कुल एक करेक्ट डेफिनेशन है फिजिकल पॉलिसी का राइट फिस्कल पॉलिसी किस लिए लाया जाता है ताकि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस कर सके कभी इंक्रीज करने के लिए कभी डिक्रीज करने के लिए राइट right? और ये कैसे किया जाता है थ्रू गवर्नमेंट स्पेंडिंग थ्रू टैक्सेशन बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टैक्स या थ्रू बोरोइंग एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट तो ये बिल्कुल एक करेक्ट डेफिनेशन है फिजिकल पॉलिसी का ऑप्शन बी गवर्नमेंट एक्टिविटीज रिलेटेड टू द यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग फॉर सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज

सी, रिड्यूसिंग के लिए नहीं बनाई जाती बनाई जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए हो सकता है कि फिजिकल डेफिसिट रिड्यूस हो बिकॉज ऑफ फिजिकल पॉलिसी ये फिजिकल पॉलिसी की कॉन्सिक्वेंस हो सकती है लेकिन फिजिकल पॉलिसी की गोल फिजिकल डेफिसिट रिड्यूस करना नहीं ठीक है तो इसका ये तो ये कहना कि सिर्फ फिजिकल डेफिसिट रिड्यूस करने के लिए फिजिकल पॉलिसी बनाई गई है ये भी इनकरेक्ट हो जाता है ठीक है एंड ऑप्शन डी कहता है ए एंड बी अब तो बी वाला हमने इनकरेक्ट ऑप्शन बता दिया सो so ये भी इनकरेक्ट हो जाता है सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर टू इफ रियल जी डी पी इज कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग एंड द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी इज द पॉलिसी शुड बी देखिए अगर जी डी पी कंटिन्यूसली डिक्लाइड हो रही है और unemployment increase हो रही है, कि ये इकोनॉमी राइट तो अब हमें कैसे पॉलिसी ले आनी चाहिए हमें ऐसी पॉलिसी ले आनी चाहिए जो इकोनॉमी को रिसेशन से एक्सपेंशन की तरफ मूव करने में हेल्प करे और इसके लिए अब क्या करना होगा या तो गवर्नमेंट को खुद इकोनॉमी में मनी पंप करनी पड़ेगी खुद का पैसा स्पेंड करना पड़ेगा या फिर जो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी ताकि लोगों के पास ज्यादा पैसा हो चीजें डिमांड करने के लिए और इंक्रीजिंग डिमांड की वजह से आउटपुट भी इंक्रीज हो और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी इंक्रीज हो तो अभी के लिए फिलहाल यही गोल होनी चाहिए पॉलिसी की राइट right? तो चलिए अब ऑप्शंस देखते हैं एक इंक्रीज टैक्सेस एंड डिक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग देखिए ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया राइट अभी तो गवर्नमेंट को स्पेंडिंग इंक्रीज करनी चाहिए मनी पंप करनी चाहिए इकोनॉमी में और टैक्स भी रिड्यूस करनी चाहिए ताकि लोगों की इनकम इंक्रीज हो राइट तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट ऑप्शन बी डिक्रीज वोथैक्स एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग देखिये टैक्स डिक्रीज करना तो ठीक था लेकिन गवर्नमेंट स्पेंडिंग अभी डिक्रीज नहीं करनी चाहिए अभी इंक्रीज करनी चाहिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है ऑप्शन सी डिक्रीज टैक्सेस एंड इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो ये बिल्कुल करेक्ट है देखिए टैक्स डिक्रीज करने से डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होती है राइट और गवर्नमेंट अगर स्पेंडिंग करती है इकोनॉमी में तो वो इकोनॉमी में मनी पंप कर रही है राइट तो इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज होगी तो अभी फिलहाल हमें यही चाहिए सो तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी इधर ए और सी भी गलत होगा क्योंकि सिर्फ सी ही करेक्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थ्री Which of the following are likely to occur when an economy is in an expansionary phase of a business cycle? देखिए expansionary phase में क्या हो सकता है? ठीक है एक-एक करके ऑप्शन देखते हैं। A rising unemployment rate। देखिए expansionary phase में तो economic activities ज्यादा हो रही होती है, right? तो लोगों की हायरिंग भी ज्यादा हो रही होती है, सो so, unemployment कम तो होता है यहाँ। ठीक है तो राइजिंग नहीं होता। करेक्ट क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोगों की हायरिंग हो रही है तो बेरोजगारी कम हो रही है रोजगारी ज्यादा है ठीक है C, में आपका डिमांड ज्यादा होता है राइट तो जब डिमांड ज्यादा होता है चीजों की तो चीजों की प्राइस भी यहाँ पे ज्यादा होती है तो ये प्राइस ज्यादा होना ही हम उसे ही इन्फ्लेशन कहते हैं राइट तो एक्सपेंशनरी फेज में हमें राइजिंग इन्फ्लेशन भी देखने को मिलता है डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का उल्टा होता है तो डिफ्लेशन नहीं होता इंक्रीज होता है, नहीं होता, है? तो डिफ्लेशन इज इन है, राइट क्योंकि यहाँ पे ज्यादा एक्टिविटीज हो रही है तो लेबर की डिमांड भी हाई है तो लेबर की भी प्राइस इंक्रीज होती है यहाँ पे और लेबर की प्राइस क्या है वेज ही तो है उसकी राइट तो वे जनरली इंक्रीज होता हुआ हमें दिखता है एक्सपेंशनरी फेज में फॉलिंग या फॉलोइंग नहीं दिखता तो ये भी इनकरेक्ट है इंक्रीजिंग टैक्स रेवेन्यू देखिए देखिए ये करेक्ट है एक्सपेंशनरी फेज में जैसा कि हमने कहा इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हो रही है राइट तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है टैक्स इंक्रीज कर देती है ताकि लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम हो वो थोड़ा सा कम हो जिसकी वजह से वो डिमांड थोड़ा सा कम करे और प्राइस थोड़ी सी कम हो तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट जनरली टैक्स इंक्रीज कर देती है एक्सपेंशनरी में सो एफ इज ऑल्सो करेक्ट जी फॉलिंग टैक्स रेवेन्यू ये इनकरेक्ट है क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि टैक्स रेवेन्यू तो इंक्रीज होती है इस टाइम पे राइट सो जी इज इनकरेक्ट तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सी एंड एफ है दीज आर द मोस्ट लाइकली टू अकर राइट तो आप नीचे ऑप्शन देखिए बी सी एन एफ पे है वो ऑप्शन बी में है राइट ऑप्शन बी कह रहा है ऑप्शन ऑप्शन। बी करेक्ट क्वेश्चन नंबर टैक्सेस एंड रिड्यूसिंग एग्रीगेट डिमांड देखिए रिसेशन के दौरान कैसे फिस्कल पॉलिसी बननी चाहिए जो रिसेशन को कम करे एंड इकोनॉमी को एक्सपेंशन की तरफ मूव करे राइट अब अगर आप टैक्स इंक्रीज कर दोगे तो क्या होगा डिस्पोजेबल इनकम लोगों की कम कम हो जाएगी तो ये डिमांड करेंगे खर्चा कम करेंगे राइट तो इकोनॉमी कैसे होगा इकोनॉमी को एक्सपैंड करने के लिए लोगों की डिस्पोजेबल इनकम को हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी या फिर गवर्नमेंट को खुद इकोनॉमी में पैसा डालनी पड़ेगी राइट तो ये दो चीजें हमें करनी पड़ेंगी सो टैक्स इंक्रीज करके तो ये नहीं होगा और हमें यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस नहीं करना है इंक्रीज करना है एक्सपेंशन की तरफ अगर मूव करना है तो डिमांड को इंक्रीज करना पड़ेगा राइट सो दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन बी डिक्रीजिंग टैक्सेस टू इंश्योर हायर डिस्पोजेबल इनकम सो ये बिल्कुल करेक्ट है ऐसा हमें करना चाहिए राइट ऑप्शन सी इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस देखिए इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तक तो ठीक था लेकिन टैक्सेस हमें इंक्रीज नहीं करना चाहिए टैक्सेस हमें डिक्रीज करना चाहिए इस टाइम पे लोगों के हाथ में भी ज्यादा पैसा ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम हमें देना चाहिए तो ये भी गलत हो जाता है एंड नो इन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर फाइव अकॉर्डिंग टू कैनिशियन इकोनॉमिक्स वेन वी हैव इन्फ्लेशन एंड इफेक्टिव फिजिकल पॉलिसी शुड नॉट इंक्लूड ठीक है क्या नहीं इंक्लूड होना चाहिए फिजिकल पॉलिसी में अगर आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो देखिए इन्फ्लेशन कब होता है जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है और पैसों की वैल्यू कम होती है राइट जब मनी एक्सेस में होती है एक तो ये कारण है इन्फ्लेशन होने का और दूसरा ये कारण है कि चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है तो इस वजह से चीजों की जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है तो यही तो कारण होता है इन्फ्लेशन का तो अगर इन्फ्लेशन हमें कम करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा एक तो ये लोगों के हाथ से पैसा थोड़ा कम करना पड़ेगा यानी कि डिस्पोजेबल इनकम को थोड़ी कम करनी पड़ेगी या फिर जो चीजों की डिमांड है उसे कम करनी पड़ेगी ठीक है ये दो तरीका तो है तो चलिए अब ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन हमें क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि क्या नहीं करना चाहिए राइट तो चलिए देखते देखिए अगर टैक्सेस आप इंक्रीज करोगे तो डिस्पोजेबल इनकम कम होगा राइट तो ये तो करेक्ट है ये तो आपको करना चाहिए इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन बी कह रहा है डिक्रीज एग्रीगेट डिमांड ये भी करेक्ट है क्योंकि जैसे हमने कहा कि या तो आप डिमांड डिक्रीज करो या तो मनी डिक्रीज करो राइट सो ये भी करेक्ट है ऑप्शन सी इंक्रीज गवर्नमेंट परचेज देखिए अगर गवर्नमेंट परचेज करती है इकोनॉमी से तो ये इकोनॉमी को पैसा दे रही है राइट तो तो ये तो पैसा इंक्रीज कर रही है पैसा तो ऑलरेडी एक्सेस हो रहा है तभी इंक्लेशन हो रहा है तो अगर आप और पैसा पंप करोगे इकोनॉमी में तो इंक्लेशन और इंक्रीज होगा तो हमें तो इंफ्लेशन इंक्रीज इंक्रीश नहीं करना ना सो दिस शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन योर फिजिकल पॉलिसी अगर आपको इंफ्लेशन कंट्रोल करना है तो सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सिक्स कैन इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट ए फिजकल पॉलिसी कैन हैव वेरी पावरफुल इफेक्ट इन ऑल्टरिंग एग्रीगेट डिमांड इम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन एन इकोनॉमी राइट कैनशियन इकोनॉमिक मानते हैं की फिजिकल पॉलिसी के थ्रू हम डिमांड इम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट को इन्फ्लुस कर सकते हैं चेंज कर सकते है ऑप्शन बी वेन द इकोमी इज ऑपरेटिंग एट लेस फुल्प्लॉयमेंट लेवल यानि ये या ऑप्टीमली जब रन नहीं कर रही है ऑप्टीमल से बिलो रन कर रही है

क्योंकि कैनेशियन इकोनॉमिक्स का मानना है कि वेजेस फ्लेक्सिबल नहीं होती वेजेस स्टिकी होती है यानी कि वेजेस को डिक्रीज करना काफी मुश्किल होता है इवन एट द टाइम ऑफ रिसेशन फॉर्म्स आर यूजुअली रिलक्टेंट टू डिक्रीज वेजेस अब क्योंकि वेजेस स्टिकी होती है जो आपकी लेबर सप्लाई है ना ये आप इजिली इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते एज पर बिजनेस फ्लक्चुएशन तो लेबर सप्लाई भी आपकी स्टिकी होती है अब लेवर सप्लाई जो है ये सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है थीके? तो शॉर्ट पीरियड में आपकी जो सप्लाई साइड है वो स्टिकी होती वो फ्लेक्सिबल नहीं होती ठीक है वो चेंज नहीं होती तो अगर आपको इकोनॉमी में बैलेंस ले आना है शॉर्ट पीरियड में तो आपको डिमांड साइड को चेंज करना पड़ेगा एग्रीगेट डिमांड को चेंज करना पड़ेगा और वो चेंज करने का तरीका है आपका फिस्कल पॉलिसी तो इसलिए कैनिशियन इकोनॉमिक जो है ये फिस्कल पॉलिसी में बहुत ज्यादा जोर देते हैं

तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं ए डिक्रीज इन ऑल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग देखिए अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग डिक्रीज करेगी तो इकोनॉमी में पैसा कम जानेगा राइट तो पैसा कम जाएगा तो डिमांड कम होगा तो ये करेक्ट है और एन इंक्रीज इन टैक्सेस अगेन अगर गवर्नमेंट टैक्सेस इंक्रीज करेगी तो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम कम होगा तो इनकम कम होगा तो ये चीजों की डिमांड भी कम करेंगे तो ये दोनों ही चीजें डिमांड को कम कराती है तो ये बिल्कुल एक करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग देखिए अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करेगी तो ये मनी पंप कर रही है इकोनॉमी में तो जब पैसा ज्यादा होगा तो डिमांड ज्यादा होगा तो ये तो इनकरेक्ट हो गया और अ डिक्रीज इन टैक्सेस अगेन अगर टैक्सेस डिक्रीज करेगी तो लोगों के पास इनकम ज्यादा होगा डिस्पोजेबल इनकम तो इसलिए ये डिमांड भी ज्यादा करेंगे तो ये भी इनकरेक्ट है ठीक है तो ये पूरा ऑप्शन इनकरेक्ट है ये डिमांड को डिक्रीज नहीं करा रहा इंक्रीज करा रहा ऑप्शन सी डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड और डिक्रीज इन टैक्सेस देखिये डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो ठीक था लेकिन डिक्रीज इन टैक्सेस गलत है राइट तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है सो so, हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए डिक्रीज इन ऑल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड और इंक्रीज इन टैक्सेस क्वेश्चन नंबर एट रिसेशन इज कैरेक्टराइज बाय ए डिक्लाइनिंग प्राइसेस एंड राइजिंग एम्प्लॉयमेंट देखिए रिसेशन में यूजुअली प्राइसेस तो डिक्लाइन करती है लेकिन एम्प्लॉयमेंट राइज नहीं होती एम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज uh, होती है राइट यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो ये ऑप्शन गलत है बी डिक्लाइनिंग अनएम्प्लॉयमेंट देखिए अगेन अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं होती बेरोजगारी ज़्यादा होती है राइट सो इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए So, ये भी गलत है ऑप्शन सी डिक्लाइनिंग रियल इनकम एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट ये बिल्कुल सही है रिसेशन के दौरान जो लोगों की रियल इनकम होती है यानी कि जो उनकी परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है और बेरोजगारी इंक्रीज होती है ठीक है सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन डी राइजिंग रियल इनकम एंड राइजिंग प्राइसेस ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि रियल इनकम भी कम होता है और प्राइस भी कम होता है रिसेशन भी

ये भी पॉलिसी का पार्ट है फिजिकल पॉलिसी में हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं सी इंक्रीज इन टैक्सेस एंड डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। हाँ, हम टैक्सेस एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दोनों को साथ साथ में चेंज भी कर सकते हैं सो ऑल ऑफ दीज थ्री आर एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल पॉलिसी तो हमारा आंसर होगा ऑल दब क्वेश्चन नंबर टेन

ये रिकॉग्नाइज करना कि हमें अब पॉलिसी चेंज करने की जरूरत है ठीक है और अगर ये रिकॉग्नाइज करने में देरी हो गई तो उसको हम रिकॉग्निशन लैग कहते हैं तो करेक्ट ऑप्शन हमारा होता है ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर इलेवन एन एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी टेकिंग एवरीथिंग एज एल्स कॉन्स्टेंट वुड इन द शॉर्ट रन है इफेक्ट ऑफ तो शॉर्ट रन में एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी का क्या इफेक्ट होता है हमें ये ऑप्शन में देख के बताना है राइट right? ऑप्शन ए अ रिलेटिवली लार्ज इंक्रीज इन जी डी पी एंड स्मॉल तो ये करेक्ट है क्योंकि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंक्रीज करो राइट और जब इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है तो आपकी जी डी पी इंक्रीज होती है और जी डी पी के साथ साथ थोड़ा सा प्राइस भी इंक्रीज होता है क्योंकि जब डिमांड इंक्रीज होता है तो तेज चीजों की प्राइस भी इंक्रीज होती है ठीक है स्मॉल इंक्रीज इन प्राइस भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन बीलेटिवली लार्ज इंक्रीज इन प्राइस एंड अ स्मॉलर इंक्रीज इन जी डी पी नहीं ऐसा नहीं होता क्योंकि मेन गोल जीडीपी इंक्रीज कराना होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज कराना होता है प्राइस इंक्रीज कराना नहीं होता है एक्सपेंशन फिजिकल पॉलिसी का ठीक है तो ये इनकरेक्ट है बोथ जीडीपी एंड प्राइस विल भी इंक्रीजिंग इन सेम प्रपोर्शन ये जरूरी नहीं है प्रोपोर्सन in ये भी इन करेक्ट है क्योंकि जीडीपी लार्जर प्रोपोर्शन में इंक्रीज होता है क्योंकि पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव ही जीडीपी को या इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंक्रीज कराना होता है सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट क्राउडिंग आउट देखिये पहले तो क्राउडिंग आउट क्या है वो समझ लेते हैं देखिये जब गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी करना चाह रही होती है तो गवर्नमेंट चाहती है कि वो इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर करे राइट लेकिन एक्सपेंडिचर करने के लिए पैसा कहाँ से आता है यूजली गवर्नमेंट बोरो करती है और यही बोरोड मनी वो इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर करती है ठीक है लेकिन कोई भी इकोनॉमी के लिए बोरो करने के लिए एक लिमिटेड क्रेडिट पूल अवेलेबल होती है लिमिटेड पैसा होता है बोरो करने के लिए तो अगर ये लिमिटेड पैसा में से गवर्नमेंट बोरो करेगी तो जो प्राइवेट प्लेयर्स है ना उनके लिए बोरो करने के लिए अब कम पैसा बचेगा अब पैसा कम है और ज्यादा लोग बोरो करना चाहते हैं तो अगेन इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है तो देखिए, गवर्नमेंट के बोरो करने की वजह से अब प्राइवेट प्लेयर्स को बोरो करना काफी मुश्किल हो गया है क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी हाई हो गई है और बोरो करने के लिए पैसा भी कम हो गया है तो अगर ये कम बोरो करेंगे तो ये कम एक्सपेंडिचर करेंगे इकोनॉमी में ठीक है तो देखिए गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की वजह से अगर प्राइवेट प्लेयर्स की एक्सपेंडिचर कम हो रही है इकोनॉमी में तो इसी को हम क्राउडिंग आउट कहते हैं यानी कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट प्लेयर्स को क्राउड आउट कर दिया देखिए ये जो क्राउडिंग आउट है ना ये नेगेटिव इफेक्ट है फिजिकल पॉलिसी का क्योंकि देखिए गवर्नमेंट जब एक्सपेंशन करना चाहती है तो ये तो चाहती है कि प्राइवेट प्लेयर्स भी इकोनॉमी में पैसा लगाए राइट वो भी एक्सपेंडिचर करे लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने कर दिया तो प्राइवेट पार्टीज के लिए कम हो गया है इज काउंटर इंट्यूटिव ठीक है इसको नेगेटिव इफेक्ट भी कहा जाता है तो चलिए अब हम ऑप्शन में चलते हैं हमें क्वेश्चन में आ, ये पूछा गया है कि क्राउडिंग आउट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है राइट तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढना है तो चलिए एक एक करके ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन वन अ डिक्लाइन इन प्राइवेट स्पेंडिंग मे बी पार्शियली और कंप्लीटली ऑफसेट by the expansion of demand resulting from an increase in government expenditure. देखिए ये स्टेटमेंट कहता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से अगर डिमांड सफिशेंटली राइज होता है तो जो प्राइवेट प्लेयर स्पेंड नहीं कर पा रहे थे ना तो उसका इफेक्ट हम कुछ हद तक या फिर कम्पलीटली भी ऑफसेट कर सकते हैं लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर करने की वजह से डिमांड काफी एक्सपेंड uh, होनी चाहिए राइट right? डिमांड काफी इंक्रीज होनी चाहिए सो दिस इज करेक्ट ठीक है अगर गवर्नमेंट की खुद के एक्सपेंडिचर की वजह से डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो ठीक है क्या प्रॉब्लम क्या है राइट right? तो प्राइवेट पार्टीज uh, नहीं कर पाए ठीक है लेकिन डिमांड तो इंक्रीज हो गया ना हमारा मकसद तो वही था तो जो प्राइवेट पार्टीज नहीं कर पाए एक्सपेंडिचर अगर उसका इफेक्ट ऑफसेट हो जाएगा गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर करने से सो विच इज वेरी गुड राइट तो ऑप्शन वन इज करेक्ट अबाउट क्राउडिंग आउट ठीक है ऑप्शन टू देखते हैं स्टेटमेंट टू देखते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट ज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी इफेक्ट फिजिकल पॉलिसी मे जनरेट वेन मनी फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर इज क्राउडेड आउट टू दब्लिक सेक्टर सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट राइट जैसा कि हमने कहा था कि जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो ये प्राइवेट पार्टी को क्राउड आउट कर देती है और ये फिजिकल पॉलिसी का नेगेटिव इफेक्ट है सो स्टेटमेंट टू इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट थ्री

Which of the following policies is likely to shift an economy's aggregate demand curve to the right? देखिए aggregate demand curve right में कब shift होता है? जब aggregate demand increase होता है, right? तो हमें अभी यह option में से देखना है कि demand increase कहाँ पे हो रहा है? Option A, increase in government spending. देखिए तो जब government spend करती है economy में, तो economic activity increase होती है, demand भी इंक्रीज होती है ठीक है एक्सपेंशन होती है डिमांड भी इंक्रीज होती है तो ये राइट वर्ड शिफ्ट कराएगा डिक्रीज इन टैक्सेस देखिए जब टैक्सेस डिक्रीज होती है तो डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होती है लोगों की तो जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा डिमांड तो ये भी डिमांड को राइट वर्ड शिफ्ट कराएगा डिमांड इंक्रीज करेगा अ टैक्स कट लॉन्ग विद इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर देखिए यहाँ पे तो डिस्पोजेबल इनकम भी इंक्रीज हो रही है और गवर्नमेंट खुद भी एक्सपेंडिचर कर रही है इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज कर रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी डिमांड इंक्रीज होगा तो यहाँ पे भी शिफ्ट right होगा होगा तो हमारा आंसर डी ऑल ऑफ दी क्वेश्चन नंबर आइडेंटिफाई द इन करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन ए अ प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स सिस्टम इंश्योर्स इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेबिलिटी बिकॉज इट डिस्ट्रीब्यूट बर्डन ऑफ टैक्सेस अन देखिए प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स सिस्टम वो सिस्टम होता है जहाँ पे आप इनकम के हिसाब से टैक्स चार्ज करो राइट हायर इनकम हाई टैक्स लोअर इनकम लो टैक्स तो ये सिस्टम जो है ये फेयरली टैक्स uh, का बर्डन डिस्ट्रीब्यूट करती है अमॉन्ग पीपल ठीक है जो ज्यादा पे कर सकते हैं उनसे ज्यादा पे कराती है जो ज्यादा पे नहीं कर सकते उनसे कम पे कराती है लेकिन ये ऑप्शन कह रहा है कि जो टैक्स बॉर्डर है वो अनइकवली डिस्ट्रीब्यूट होता है जो कि इनकरेक्ट है देखिए टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन फेयरली होना जरूरी है जरूरी ये नहीं है कि सबसे इक्वल अमाउंट पे कराए देखिए चाहे आपकी इनकम जितनी भी हो अगर आप अंबानी के जितना कमाते हो या फिर अगर आप सिर्फ दिन में दो सौ रुपए कमाते हो अगर सबसे इक्वल अमाउंट चार्ज करे तो क्या वो फेयर होगा नहीं होगा ना तो इसलिए गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स लगाती है कि ज्यादा इनकम वालों से ज्यादा चार्ज करे कम से कम तो ये बिल्कुल फेयर है तो ये ऑप्शन अगर कह रहा है कि ये अन है अनफेयर है तो ये इनकरेक्ट uh, ऑप्शन हो जाता है ठीक है सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही हमें ढूंढना था सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट लेकिन बाकी ऑप्शंस भी एक बार हम देख लेते हैं बी अ केयरफुली बीरफुल्ड पॉलिसी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर हेल्प्स इन रीडिस्ट्रीब्यूटिंग इनकम फ्रॉम द रिच टू द दुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तो ये तो करेक्ट है ऑप्शन सी देर आर पॉसिबल कॉन्फ्लिक बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्टिव फिजिकल पॉलिसी सच दैट अ पॉलिसी डिजाइंड टू अचीव वन गोल्स ये भी सच है क्योंकि क्या होता है ना कभी कभार फिजिकल पॉलिसी जैसे कि एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी में आप चाहते हो कि जीडीपी इंक्रीज हो इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज हो राइट right? लेकिन जीडीपी जब इंक्रीज आप करते हो तो आपकी इन्फ्लेशन भी कुछ हद तक इंक्रीज हो जाती है राइट right? जो कि आप नहीं चाहते तो देखिए एक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के चक्कर में आपको अपनी दूसरी ऑब्जेक्टिव जो कि इन्फ्लेशन को कम करना कंट्रोल करना है वो आपकी अफेक्ट हो रही है राइट तो ऐसा अक्सर देखने को मिलता है फिजिकल पॉलिसी में तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है डी एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ़ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ड्यूरिंग रिसेशन मे पॉसिबली क्राउड आउट प्राइवेट स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी तो जैसा हमने पिछली क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत ज्यादा है तो कभी कभार वो प्राइवेट स्पेंडिंग को क्राउड आउट कर देती है यानी कि प्राइवेट लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं बचता बोरो करने के लिए और स्पेंड करने के लिए जो कि अगेन करेक्ट है तो बी सी एंड टी स्टेटमेंट्स तो करेक्ट है तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपका ए क्वेश्चन नंबर 15 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स तो देखिए अब ये स्टेटमेंट्स में से हमें कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है ये पता लगाना है तो देखते हैं स्टेटमेंट वन। फिस्कल पॉलिसी इज सेट टू बी कॉन्ट्रैक्शनरी व्हेन रेवेन्यू इज हायर देन स्पेंडिंग दैट इज गवर्नमेंट बजट इज इन सरप्लस देखिए कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करती है अपना जो एक्सपेंडिचर है ये कम करना चाहती है राइट right? तो जब ये एक्सपेंडिचर कम करेगी तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू हायर होगी एंड स्पेंडिंग कम होगी सो रेवेन्यू वुड बी हायर देन स्पेंडिंग और अगर ऐसा हुआ तो गवर्नमेंट बजट सरप्लस में जाएगा राइट right? तो ये बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट टू अदर थिंग्स कॉन्स्टेंट अ फिजिकल एक्सपेंशन विल रेज इंटरेस्ट रेट्स एंड क्राउड आउट सम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ये भी करेक्ट है जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर गवर्नमेंट स्पेंड uh, करती है जब वो एक्सपेन्शन लेना चाहती है और स्पेंड करती है तो किस तरह से इंटरेस्ट रेट राइज हो सकती है और कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को वो क्राउड आउट कर सकती है राइट right? तो स्टेटमेंट टू इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट थ्री ड्यूरिंग इन्फ्लेशन न्यू टैक्सेस कैन बी लेट एंड रेट ऑफ एक्सिस्टिंग टैक्सेस आर रेट रेस टू रिड्यूस डिस्पोजेबल इनकम देखिए इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा डिस्पोजेबल इनकम कम करनी पड़ेगी राइट right? तभी जाके लोग कम आ, कम डिमांड करेंगे तो डिस्पोजेबल इनकम कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा टैक्सेस इंक्रीज करनी पड़ेंगे या फिर नए टैक्सेस लगानी पड़ेंगे तो ये भी करेक्ट है स्टेटमेंट फोर क्लासिकल इकोनॉमिक एडवोकेटेड कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन ये इनकरेक्ट है क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मानना है कि कोई भी फिजिकल पॉलिसी चाहिए ही नहीं मार्केट में गवर्नमेंट इंटरवेंशन करना ही नहीं चाहिए मार्केट को अपने हाल में छोड़ देना चाहिए मार्केट अपने आप सब कुछ सॉल्व करेगा ऐसा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते हैं राइट right? तो वो तो बिल्कुल फिजिकल पॉलिसी के खिलाफ है चाहे वो एक्सपैशनरी हो चाहे कॉन्ट्रैक्शनरी हो तो ऑप्शन फोर वुड बी इनकरेक्ट सो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन तो बी जो कहता है कि वन टू एंड थ्री आर करेक्ट ठीक है

तो उनकी एक्सपेंडिचर यूजली हायर होती है उनकी रेवेन्यू से तो बजट डेफिसिट में जाता है सो ऑप्शन ए यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है ऑप्शन बी द गवर्नमेंट मे रन इन टू बजट बिकॉज टैक्स रिड्यूस गवर्नमेंट इनकम एंड द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड टैक्स रेवेन्यू इन अ गिवन ईयर तो ये बिल्कुल करेक्ट है देखिए एक्सपेंशनरी पॉलिसी में आप क्या करते हो या आप पहले तो अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज करते हो राइट right? फिर लोगों के भी आप एक्सपेंडिचर इंक्रीज कराना चाहते हो तो आप टैक्स रेवेन्यू भी कम करते हो राइट उनकी टैक्स कम करते हो तो आपकी टैक्स रेवेन्यू भी कम आती है तो इस वजह से आप डेफिसिट में जाते हो तो ये बिल्कुल करेक्ट है देखिये तो यहाँ पे ऑप्शन ए पे मोर टैक्स रेवेन्यू भी बोला हुआ था राइट ये भी बिल्कुल इनकरेक्ट है क्योंकि एक्सपैशनरी पॉलिसी में आप टैक्स कम कर देते हो तो मोर टैक्स रेवेन्यू कैसे आएगा है ना सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन सी क्या कहता है इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव बैलेंस्ड बजट टू अवॉइड इन्फ्लेशन एंड ब्रिंक इन स्टेबिलिटी देखिए बैलेंस बजट यानी कि आपकी जो एक्सपेंडिचर है आपके रेवेन्यू से बराबर हो लेकिन एक्सपेंशनरी पॉलिसी में तो हमें एक्सपेंडिचर इंक्रीज कराना पड़ेगा राइट जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी तभी इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो बैलेंस बजट एक्सपेंशनरी पॉलिसी के दौरान काम नहीं करता तो ये भी इनकरेक्ट है ठीक है नॉन ऑफ अब भी इनकरेक्ट है क्योंकि ऑप्शन बी जो है आपका वो करेक्ट ऑप्शन है

टू इंक्रीज demand टू सस्टेन द इकोनॉमी देखिए कॉन्ट्रेक्शनरी पॉलिसी तो डिमांड को कम करने के लिए होती है आउटपुट को हमें कम करना है राइट right? तो ये भी इनकरेक्ट है टू इंक्रीज द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल थ्रू टैक्स कट्स एंड टू इनेबल ग्रेटर डिमांड अगेन हमें डिमांड डिक्रीज करना है कॉन्ट्रेक्शनरी पॉलिसी में इंक्रीज नहीं करना तो ये भी इनकरेक्ट है ऑप्शन डी इज डिजाइन टू रिस्ट्रेन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी

एक्सपेंशनरी में तो हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज करते हैं तो एक्सपेजरी गलत है देखिए ऑप्शन सी कहता है ट्राइंग टू लिमिट एग्रीगेट डिमांड टू सस्टेनेबल लेवल्स ये भी करेक्ट है देखिये जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करता है तो क्यों करता है क्योंकि वो एग्रीगेट डिमांड को कम करना चाह रहा है राइट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सस्टेनेबल लेवल तक एग्रीगेट डिमांड ये रखना चाहता है तो देखिए यहाँ पे हमारा ए और सी स्टेटमेंट करेक्ट है तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी ए एंड सी अबव क्वेश्चन नंबर नाइनटीन एन इंक्रीज इन पर्सनल इनकम टैक्सेज इट रिड्यूस डिस्पोजेबल इनकम रीडिंग टू फॉल इन कंजम्पन स्पेंडिंग एंड एग्रीगेट डिमांड बिल्कुल करेक्ट है राइट right? जब आप पर्सनल टैक्स इंक्रीज करोगे तो आपका डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाता है राइट right? तो अगर कम हो जाता है डिस्पोजेबल इनकम तो आप कंज्यूम कम करोगे चीजों की डिमांड कम करोगे तो डिमांड भी कम होगा सो ए इज करेक्ट बी

जो स्पेंडिंग है वो कम करना चाहते हो बूस्ट नहीं करना चाहते तो ये इनकरेक्ट है सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वेन द गवर्नमेंट रिजॉर्ट टू डेलीबरेट फिजिकल पॉलिसी इट मे नॉट अटेम्प टू मैनुपुलेट तो फिजिकल पॉलिसी के दौरान क्या मैनुपुलेट नहीं होता ठीक है ऑप्शन ए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वर्क देखिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो आप मैनुकुलेट कर सकते हो फिजिकल पॉलिसी के थ्रू द रेट ऑफ पर्सनल इनकम टैक्सेज एंड कॉर्पोरेट टैक्सेज भी मैनुकुलेट होती है फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड एंड सर्विसेज परचेज भी मैनुकुलेट होती है लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना ये फिजिकल पॉलिसी में मैनुकुलेट नहीं होती ये मॉनिटरी पॉलिसी में मैनिकुलेट होती है ठीक है सो व्हाट इज नॉट मैनुकुलेटेड ड्यूरिंग फिजिकल पॉलिसी दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा डी

ये फिजिकल पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आता ये मॉनिटरी पॉलिसी हो जाता है राइट तो ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये फिजिकल पॉलिसी नहीं है ठीक है ऑप्शन बी द गवर्नमेंट में कट टैक्सेस टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड हाँ तो ये फिजिकल पॉलिसी के अंतर्गत आता है गवर्नमेंट को यहाँ पे डिमांड इंक्रीज कराना है राइट एक्सपेंशन करने के लिए आपको डिमांड इंक्रीज करनी पड़ेगी आउटपुट इंक्रीज करनी पड़ेगी तो गवर्नमेंट अगर टैक्स कट कर रही है डिमांड को बढ़ाने के लिए तो ये बिल्कुल सही फिस्कल पॉलिसी फिस्कल रेमेडी है ऑप्शन सी कहता है द गवर्नमेंट में फॉलो अ पॉलिसी ऑफ बैलेंस द बजट बैलेंस द बजट मतलब एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू के बराबर करना यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करना ताकि ये रेवेन्यू के बराबर हो जाए लेकिन एक्सपेंशन के टाइम में तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपना इंक्रीज करती है राइट right? इकोनॉमी में मनी पंप करती है तो ये बैलेंस द बजट इस टाइम पे एक्सपेंशनरी पॉलिसी में काम नहीं करता ठीक है सो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे होगा ऑप्शन बी द गवर्नमेंट में कट टैक्सेस टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू वाइल इफ गमेंट कंपीट विद द प्राइवेट सेक्टर टू बोरो मनी फॉर सिक्योरिंग रिसोर्सेज रिसोर्सिस एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी देखिए अगर गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के साथ कंपीट करती है मनी बोरो करने के लिए ताकि वह एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी ला सके तो क्या होगा तो क्राउड आउट प्रॉब्लम होगा

एंड इंडिविजुअल्स टू मे बी रिलकटेंट टू बोरोड आप और मैं जैसे इंडिविजुअल को भी दिक्कत होगी जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगी राइट हमें भी बोरो और स्पेंड करने में दिक्कत होगी सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट इट इज दैट इंटरेस्ट रेट विल गो अपाइड इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड में नॉट बी रियलाइज देखिए अगर प्राइवेट प्लेयर्स को भी दिक्कत हो रही है इंडिविजुअल्स को भी दिक्कत हो रही है बोरो करने में तो इनके पास पैसा ही नहीं स्पेंड करने में इकोनॉमी में तो ये एग्रीगेट डिमांड कैसे इंक्रीज होगा राइट सो एंड डिमांड रियलाइज ना हो ये भी एक दिक्कत हो सकती है क्राउडिंग आउट ये तो ये तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट है ठीक है सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दी सो दर दिस विप कम टू द एंड ऑफ द वीडियो आई होप आपको सारे एम समझ आ गए होंगे अभी भी आपको अगर कंफ्यूजन है तो आप कॉमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि वी विल बी बैक विथ अनदर वीडियो शूट तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर